दोस्तों ये जो पेज देख रहे हैं, ये पेज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है, क्योंकि ये पेज मामूली पेज नहीं है। ये IRDA के सर्कुलर का एक पन्ना है। IRDA ने 70 पेज का सर्कुलर निकाला है, जिसके अंदर का एक पन्ना हमने उठाया है और इस पन्ने के ऊपर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये पन्ना कहीं ना कहीं पर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, कह लीजिए बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। क्योंकि अगर हम 70 पेज की बात करें तो उसको इस वीडियो के माध्यम से समझाना बहुत मुश्किल है और वीडियो कई दिनों की बन जाएगी, तो उसको देखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमने उसमें से चुन करके एक पेज उठाया है जो LIC एजेंट से सीधा जुड़ा हुआ है, LIC अभिकर्ता से सीधा जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो चैनल का मिशन है वो अभिकर्ताओं को अवेयर करना है, लिटरेट करना है, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी के अंदर, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जर्नी के अंदर, अपने आप को सही तरीके से खड़े कर पाए, स्टेबल हो पाए। और इसी मुहिम के तहत हम चल रहे हैं और हम कोई भी खबर जो इंश्योरेंस जगत से जुड़ी होती है और खास करके LIC से जुड़ी होती है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर आते हैं, उसके बाद बाकी जगह पे आपको देखने को मिलती होंगी, जैसा आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि इस तरीके की कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे अछूती ना रह जाए। क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपको जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे हम उसको शॉर्ट में करने की, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हमने सिर्फ पूरे सर्कुलर का एक पन्ना उठाया है, जिससे हम सारी बातों को क्लियर कर सकें, क्योंकि यही पन्ना है जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। उस भूचाल से बचने का क्या तरीका है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की खबरें यहाँ पे मिलती रहेंगी आपको। IRDA के सर्कुलर पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं LIC के बारे में। LIC की बात करते हैं, LIC दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संस्था है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। ये बड़ी गौरवान्वित होने वाली बात है कि हम दुनिया में तीसरे पायदान पे हैं। और अगर हम पॉलिसी की बात करें, 31 मार्च 2024 तक 27 करोड़ पॉलिसी कर चुके हैं। यह आंकड़ा पहले थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब कुछ कम हो गया है, क्योंकि बाकी कंपनियों में मार्केट में आ गई है। तो यहाँ पे 27 करोड़ पॉलिसी करके हम हिंदुस्तान के अंदर नंबर वन पे हैं हमेशा, और दुनिया में हम तीसरे नंबर पे हैं। अब हम बात करें, पॉलिसी 27 करोड़ कर रखी है, लेकिन इसमें लाइफ इंश्योर कितने लोग हैं, मतलब कितने लोगों का हमने लाइफ को इंश्योर किया है। तो अब बात करते हैं, 19 करोड़ लोगों का हमने लाइफ इंश्योर किया है। और अगर इस पूरे आंकड़े का गणित देखें तो इसमें से 97% बीमा LIC के एजेंट द्वारा लाया गया है। ये LIC खुद मानती है, और हम सभी जानते हैं कि 90% का बिजनेस जो है LIC एजेंट लाता है, यानी LIC का जो पिलर है वो सिर्फ एजेंट ही है। बाकी 3% का बिजनेस जो है वो बैंक के थ्रू या अल्टरनेट चैनल जो भी है वहां से, उसके माध्यम से आते हैं। अब ये जो सर्कुलर है, ये जो पन्ना है, ये कहीं ना कहीं पे मैंने बताया कि काफी बदलाव लाने वाला पन्ना है। इस पन्ने की खास बात है दोस्तों, ये पूरा सर्कुलर जैसे मैंने बताया 70 पेज का, जिसको भी चाहिए होगा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डालेगा और मैं उसको सर्कुलर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उस बाकी पन्नों पे भी हम बात करें आने वाली वीडियो में, लेकिन हम आप इस पर बात करें, हम चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 1 की बात नहीं करें, क्योंकि चैप्टर 2 हमारे सीधा हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो हमने इस पर बात करनी है। अब बाकी किसी को सर्कुलर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे तो पूरा सर्कुलर हम उसको भेज देंगे। अब इसमें क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें 1.8 पॉइंट तक लिखा हुआ, मतलब 8 पॉइंट इसमें लिखे हैं, उसमें भी उसका बाइफोकेशन दिया हुआ है। तो हम मेन पॉइंट की बात करेंगे, जैसा कि सबसे पहले जो लिखा है सेक्शन 1, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IRDA इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन 2024। हम 2024 में बैठे हैं, तो यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट जो है वो लिखा है, द इंश्योरेंस विल कंप्लाई विद द फॉलोइंग, 1:1 पॉइंट का है, ऑल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑन सेल एज ऑन डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ दिस सर्कुलर शैल बी रिवाइव बाय द प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी फॉर द इंश्योरिंग कंप्लायंस विद IRDA इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन 2024 प्रोविजन फॉर दिस सर्कुलर एंड अदर अप्लीकेबल नॉर्म्स। मतलब यहाँ पे IRDA ने कहा है कि जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं जो अभी सेल के लिए अवेलेबल हैं, उसको प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी के थ्रू गुजरना होगा और उसका पूरा कंप्लायंस होगा, और उस कंप्लायंस को में चेक किया जाए कि जो IRDA का रेगुलेशन 2024 है उस पे वो फिट बैठते कि नहीं बैठते, उसके नॉर्म्स पे फिट बैठते कि नहीं बैठते, अगर फिट नहीं बैठते तो उनको हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 1.2 में लिखा प्रोडक्ट मेंशन हियर इज इंक्लूड बेस प्रोडक्ट एंड राइडर, यानी कि यहाँ पे हर एक पॉलिसी की बात की जा रही है, हर एक राइडर की बात की जा रही है।
1.3 पॉइंट रहेगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विच आर कम्प्लाइंग विद द प्रोविजन एज रिफर्ड अंडर पारा नंबर 1.1 कैन कंटिन्यू टू रिमेन ओपन फॉर न्यू बिजनेस। अब यहाँ पे लिखा है जो 1.1 में जो बात की गई कि जो भी कम्प्लायंस के थ्रू यानी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी के थ्रू जो भी प्रोडक्ट पास हो गया है IRDA नॉर्म्स के हिसाब से 2024 रेगुलेशन के हिसाब से वो प्रोडक्ट कंटिन्यू रहेगा न्यू बिजनेस के, नहीं तो बाकी सारे प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाएगा। ये 1.4 पॉइंट पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है। इसमें लिखा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नॉट कम्प्लाइंग विद प्रोविजन एज रिफर्ड अंडर पैरा नंबर 1.1 कैन कंटिन्यू फॉर न्यू बिजनेस फॉर अ लिमिटेड पीरियड अप टू 30 सितंबर 2024 एंड शैल बी विथड्रॉन फॉर न्यू बिजनेस और मॉडिफाई एज पर द एक्सटेंट प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस ऑन बिफोर 30 सितंबर 2024। मतलब यहाँ पे IRDA कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट कंप्लायंस के थ्रू नहीं गुजरे हैं या कंप्लायंस को फुलफिल नहीं करते हैं जो IRDA का रेगुलेशन 2024 है उस प्रोडक्ट को 30 सितंबर के बाद बेचने के लिए बंद कर दिया जाएगा या 30 सितंबर से पहले उसको कंप्लायंस करा के इसको अप्रूव कराना होगा तो ही जाके उसको आप दोबारा बेच पाएंगे। अब 1.5 में लिखा वंस अ प्रोडक्ट इज विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट द इंश्योरेंस शैल नॉट प्रोक्योर एनी न्यू बिजनेस और एनी इश्यू ऑफ एनी न्यू पॉलिसी अंडर द प्रोडक्ट आफ्टर द डेट ऑफ विड्रॉवल। यहाँ पे साफ सा IRDA के निर्देश है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमने बंद कर दिया है विड्रॉ कर दिया है तो उसको आप आगे किसी भी डेट पे उसको दोबारा से उसको रिपब्लिश नहीं कर सकते ना उसको बेच सकते हैं किसी भी तरीके से उसको इशू नहीं कर सकते, यानी जिस डेट को हमने डेडलाइन इशू कर दी 30 सितंबर 2024 उसके बाद वो प्रोडक्ट दोबारा मार्केट में नहीं दिखना चाहिए। 1.6 में लिखा द इंश्योरेंस शैल सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट एज पर द फॉर्मेट प्रोवाइडेड हियर इन अंडर सर्टिफिकेशन 5 टू सर्टिफिकेशन 8 और पार्ट बी ऑफ सेक्शन 8 ऑफ दिस सर्कुलर टू IRDA बाय 15 अक्टूबर 2024। यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपने लाने हैं उस प्रोडक्ट के लिए जो फॉर्मेट दिया गया है जिसकी हम बात करें सर्टिफिकेशन 5 से लेकर सर्टिफिकेशन 8 तक सेक्शन बी के अंदर जो अगले काफ़ी सारे पन्नों में मिलेगा आपको देखने को उसको उसके हिसाब से आपको सबमिट करना है उसको फिल करके और एज पर सर्कुलर 15 अक्टूबर 2024 से पहले जमा करना है। उसके बाद 1.7 पॉइंट में लिखा इफ अ ग्रुप प्रोडक्ट इज विड्रॉन नो न्यू मेंबर कैन एडेड इनटू एग्जिस्टिंग ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी और ग्रुप पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल सच पॉलिसी शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू स्विच ओवर द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ग्रुप प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस की भी बात की गई कि कोई ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और उसको भी विड्रॉ कर दिया गया है तो उसके अंदर कोई भी नया मेंबर नहीं ऐड होगा और एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल जो रिवाइज प्रोडक्ट होगा उसके अंदर उसको स्विच करना होगा और इसके काफी ग्रुप के बारे में भी काफी 4 पॉइंट एलिब्रेट किया गया है तो उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम बात करें 1.8 पॉइंट के बारे में जिसमें लिखा हुआ है ऑल न्यू प्रोडक्ट शैल कंप्लाई विद IRDA इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन 2024 प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर एंड अदर एप्लीकेबल फॉर्म। अब दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि इस सर्कुलर के अनुसार देखो दोस्तों 30 सितंबर 2024 को जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे, यानी जितनी भी पॉलिसियां चल रही हैं ये सारी पॉलिसियां बंद करना होगा IRDA के आदेश अनुसार और आपको 15 अक्टूबर से पहले पहले या 30 सितंबर से पहले पहले आपको नए प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आपको देनी होगी उसको वेरीफाई कराना होगा जो हमारी प्रोडक्ट कमेटी है वहाँ के थ्रू और सारे नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे उसके बाद ही अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं और उसको बेचने के लिए दे सकते हैं अपने एजेंटों को। तो एक तो चीज़ ये निकल के आ रही है कि ये सारे प्रोडक्ट बंद होने वाले हैं, यानी जिन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं सब पॉलिसी बंद होने वाली है। अब इस विपत्ति में देखें क्योंकि विपत्ति की घड़ी आने वाली है दोस्तों, तो इस विपत्ति में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पर विपत्ति में कह लीजिए एक अवसर भी है। अवसर यह है कि जैसा कि IRDA के हिसाब से 30 सितंबर 2024 को सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए जाएंगे तो आपके पास मौका है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर और जो भी नए प्रोस्पेक्टस पर जा करके ये बात कह सकते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट है जीवन लाभ जीवन लक्ष्य जीवन उमंग जीवन उत्सव ये सारे प्रोडक्ट 30 सितंबर 2024 को बंद होने वाले हैं तो अगर अभी आपके पास मौका है इसको जल्द से जल्द ले लीजिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल जाएगा क्योंकि जितने प्रोडक्ट सारे गारंटेड प्रोडक्ट हैं आने वाले वक्त में ये प्रोडक्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे।
तो ये कहने के पे इसको मौका भी समझ सकते हैं, इसको अवसर भी समझ सकते हैं और इस अवसर को समझ के इसको इनकैश कर सकते हैं। अब आने वाले वक्त में हमें देखना होगा कि हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। दोस्तों इस सर्कुलर से मोटा मोटा ये निकल के आया कि परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना होगा। और अगर हम स्वीकार नहीं करें तो लोग हमें यहाँ से बाहर कर देंगे, सिस्टम से बाहर कर देंगे। तो हमें इस परिवर्तन के साथ जाना होगा, हमें भी परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को भी परिवर्तित करना होगा, समय के हिसाब से बदलना होगा, तभी जाके हम मार्केट में टिक पाएंगे। इससे जुड़ी, इस सर्कुलर से जुड़ी कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और हमारी कोशिश होगी इसको जल्द से जल्द जवाब देने की। और दोस्तों आपसे निवेदन करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देखते हैं, अगर उस इन्फॉर्मेशन से आपकी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में काम की लगती है, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव के रूप में आती है, कुछ अपग्रेड करती है अपने आप को, तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, इसको और भाई को भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके और वो भी अपने आने वाले वक्त की तैयारी कर सकें। दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।